अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को भारत दौरे पर आए। इस दौरान ट्रंप के साथ उनकी वाइफ मेलानिया और बेटी इवांका भी नजर आई। उन्होंने कल अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में लोगों को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने स्वामी विवेकानंद से लेकर विराट कोहली तक का जिक्र किया, साथ ही बॉलीवुड फिल्मों को भी याद किया। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड कुछ बड़ी गलतियां कर बैठे हैं, जिसके कारण सोशल मीडिया पर उनके मजे लिए जा रहे हैं। दरअसल भाषण देते वक्त डोनाल्ड ने कुछ शब्दों का गलत उच्चारण कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तो चलिए जानते हैं किन शब्दों का गलत उच्चारण करने पर ट्रोल हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकामन, सचिन तेंदुलकर को सुचिन तेंदुलकर, विराट कोहली को विराट कोहली, चाय वाला को चीवाला और शोले को शोजे बोल दिया है। इसके अलावा ट्रंप ने एक ट्वीट करते हुए उसमें भी कुछ गलतियां कर दी हैं। इस ट्वीट में ट्रंप ने कहा, मैं इसलिए भारत आया हूं सद्भावना और प्रेम के साथ, ताकि हम अपनी अभिलाषा प्रतीक कर अपनी साझेदारी और अविश्वसनीय विस्तार सकें। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ये ट्वीट अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करके किया है, जिसके कारण ये अजीब है और इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही सचिन के नाम के उच्चारण में ट्रंप की गलती पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने भी चुटकी ली। उसने एक वीडियो साझा किया जिसमें गूगल का सर्च इंजन दिखाया जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।